Next one, what is the result of given programs? In that case, we are assigning literal integers in different number systems. As we know, by default, number system is considered as decimal number system. Any number starts with 0x considered as hexadecimal, same as octal. फर्स्ट केस में अगर बात करें तो x केस में करंटली क्या असाइन करा है, डायरेक्टली 10 और माइनस 10. सेम एज y के रिस्पेक्ट में बात करें तो y के केसेस में असाइन कराया गया है एज अ 0x10. सभी केस में वैल्यू परसेंट डी के थ्रू डिस्प्ले करा है, इसलिए आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम. देन डायरेक्टली इस केस में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी, डायरेक्टली शो करा व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू. इस केस में नंबर्स के बेसिस पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. इस केस में 0x क्या है, पार्ट ऑफ फॉर्मेट 10 इज अ नंबर, मींस 10 करंटली अवेलेबल किस फॉर्म में अकॉर्डिंग टू 0x. मींस अभी साइन बाद में अप्लाई करेंगे, पहले चेक करें इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू. बाय डिफॉल्ट 10 किस फॉर्म में, बेस 16. आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसलिए यूज क्या करें, बेस 10. इन दैट केस सिंपली इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 0. इन दैट केस 16 प्लस 16 टू द पावर 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. मींस फाइनली इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है, इन बेस 10 16. मींस इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हुआ, इस टाइप के प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल है. इट इज इक्विवेलेंट टू y इक्वल्स टू असाइनिंग माइनस 16, बिकॉज इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, 16. साइन कौन सा अप्लाई हो रहा, माइनस, देन डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल है. इसका मीनिंग क्या हुआ, फाइनली एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं. एक्स के केस में डायरेक्टली क्या सम कराया गया, वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस 10, वैल्यू ऑफ वाई इज इट इज इक्वलेंट टू 16, देयरफॉर इट इज इक्वलेंट टू माइनस 16 बिकॉज ऑफ माइनस साइन. तो फाइनली वाई के केस में क्या साइन हो रहा है, माइनस 16. सिमिलरली ऑक्टल वैल्यू 0 10 इज ऑक्टल, इसका इक्वलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, बेस 8 के फॉर्म में ऑलरेडी वैल्यू, बेस 10 में कैलकुलेट करें तो बेस 10 में इसका वैल्यू क्या आएगा, 8. इट इज इक्वलेंट टू माइनस 8, इसलिए जेड का वैल्यू क्या है, माइनस 8. रियल में मेमोरी के अंदर डेटा अभी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन डायरेक्टली आपके लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल, बिकॉज आउटपुट या एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम. फाइनली इस प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स के केस में क्या स्टोर है, माइनस 10, वाई के केस में माइनस 16 और जेड के केस में माइनस 8. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम.